दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लारावेल वेब विद प्राइवेट चैनल। पहले हमने पब्लिक चैनल देखा है। अगर आपने पब्लिक चैनल की वीडियो नहीं देखी तो आप बैक लेक्चर नंबर 2 पे जाएं, और 1 और 2 दोनों जो हैं पब्लिक चैनल के लिए हैं। फर्स्ट जो है वो लाइव वायर के साथ है, सेकंड जो है वो विदाउट लाइव वायर है, यानी आप jQuery को और HTML को भी यूज़ करके हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखें तो ये हमारा जो है पब्लिक चैनल के साथ चैट हो रही है, तो इसका हम कनेक्शन देखेंगे अगर वेब सॉकेट का। तो रिफ़्रेश किया, ये देखें हमारा जो सब्सक्रिप्शन हो रही है चैनल जो है चैट्स के साथ। तो इसी चैनल को हम अब प्राइवेट चैनल में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है हमारा इस चैनल के साथ, और हमारे कंसोल में कोई एरर नहीं है। तो सिंपल, जहां चैनल लिखा हुआ है वहां हम प्राइवेट कर देते हैं, और अब हम इस चैनल को कह रहे हैं ये हमारा प्राइवेट चैनल है, इसको हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो हमारा मैसेज सेंड होगा उसको भी हम पब्लिक चैनल की बजाय हम प्राइवेट चैनल के साथ सेंड करेंगे, और चैट सी हमारा, हम चैनल का नाम अभी चैट सी रखते हैं। इसको हम सेव करके अगर हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यानी हमारी जो है वो फॉरबिटन हो गया है, यानी ऑथ रिक्वायर्ड कर रहा है। हम नेटवर्क में अगर देखें तो हमारी ऑथ की रिक्वेस्ट जा रही है, जिससे हमें वो चैनल जो है प्राइवेट चैनल चैट्स पे जा रहा है और सब्सक्रिप्शन के लिए, तो लेकिन आगे से फॉरबिटन आ रहा है क्योंकि हमें ऑथराइज नहीं है इस चीज़ की। तो इसके लिए हमें पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा यूज़र को, यानी ऑथराइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस प्राइवेट चैनल पे हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर हम वेब सॉकेट्स पे भी जाके देखते हैं तो हमारा जो है सब्सक्रिप्शन जो है ये देखें नहीं हो पा रही होगी। ये देखें मैसेज में आ रहा है सॉकेट जो है वो टाइम आउट हो रहा है। तो चलें हम इसको अब क्या करते हैं, हम अगर कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, मतलब हमारा मैसेज जो है फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि हमें ऑथराइज नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है मैसेज सेंड होता है लेकिन आगे चैनल के थ्रू ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा। सो हम इसके लिए सबसे पहले हम अपने जो है ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। आप इसके लिए अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो आप यूआई यूज़ कर सकते हैं, लारावेल यूआई। मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब आपने लारावेल यूआई का पैकेज बूटस्ट्रैप के लिए यूज़ कर लेना है। ये देखें आप सिंपल कंपोजर रिक्वायर्ड यूआई करें और इसमें आप बूटस्ट्रैप यूआई करें के साथ ऑथ की ये कमांड आर्टसन के साथ चलाएंगे तो आपका जो ऑथेंटिकेशन का पूरा पैकेज बन गया। लेकिन मैं अगर टेलवन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए फिर 45 यूज़ करूँगा और अपना जो है कस्टम लेआउट बना लूँगा, वरना आप जेस्ट्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आपका टेलवन का लेआउट आ जाता है। तो हम लारावेल 45 को यूज़ करते हैं। सो मैंने क्या किया, लारावेल 45 का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर दिया। पैकेज एक दफ़ा कंपोज़र पे इंस्टॉल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हम 45 को इंस्टॉल करेंगे। PHP Artisan 45 इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसकी माइग्रेशन जो है वो रन कर देंगे, क्योंकि हमारे राउट्स में जो है वो लिस्ट में देखेंगे तो हमारे पास ये देखें ऑथ के राउट्स आ चुके होंगे। लॉगिन का आ चुका है, रजिस्टर का आ चुका है, और रीसेट पासवर्ड का आ चुका है। सो हम इसके लेआउट बना लेते हैं। सिंपल आपने करना क्या है, प्रोवाइडर में जाके ये देखें 45 सर्विस आ गई है। इसके अंदर हम अपने जो है एक तो हम लॉगिन के लिए बना लेते हैं लॉगिन व्यू, और इसमें हमारे पास फंक्शंस होगा, और रिटर्न हम करेंगे व्यू, और इसमें हम ऑथ डॉट लॉगिन के अंदर हम एक फोल्डर बना लेंगे।
इसी तरह हम अपना रजिस्टर का एक बना लेंगे, रजिस्टर व्यू, और इसमें भी हम ऑथ दो रजिस्टर व्यू के साथ हम कर लेंगे। इसी तरह हम फॉरगेट पासवर्ड का बना लेंगे, और इसी तरह हम रीसेट पासवर्ड के बना लेंगे। ये हमारे पास तीन व्यू बन चुके हैं, और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं ऑथ के साथ। अब क्योंकि लारावल 10 में मेक व्यू की भी कमांड अवेलेबल है, तो हम 11 में भी है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ऑथ लॉगिन, और इसी तरह हम रजिस्टर, और हमारा है तीसरा हमारा है रीसेट पासवर्ड। ये हमारा तीनों बन चुके हैं व्यू, और अब हम अपना लेआउट भी बना लेते हैं। लेआउट्स में एक हमारा पास होगा ऑथ का लेआउट होगा, और दूसरा हमारे पास होगा क्या उसका नाम है ऐप का। ये हमारे पास लेआउट्स भी बन चुके हैं, दो हमने लेआउट्स बना लिए हैं और एक हमने ये चैट का बना लिया। तो अब हम इसके अंदर हम अपना एक लेआउट डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैंने लेआउट ऑलरेडी डिफ़ाइन किया है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, और ताकि हम आगे अपना प्राइवेट चैनल पे वर्क कर सकें। सो हमने पेस्ट किया अपने लेआउट, और अब हम अगर रिफ्रेश करते हैं, ये देखें लॉगिन और रजिस्टर का हमारे पास एक यहाँ यूआरएल आ गया। अब ये चैट हमें यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि ये आफ्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो इसको हम निकाल देंगे यहाँ से, वेलकम से, और इसको हम अपने जो है लेआउट के अंदर डाल देंगे। यहाँ हमने डाल दिया। अब हम रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, ये देंगे, और एक दफ़ा हम अपने जो है npm run build कर लेते हैं, ताकि हमारे assets वगैरह build हो जाए। beautiful। अब हम अपना एक login करके register करते हैं। ये हमारा एक chat room का बन चुका है, इसको हमने ये देखें हमारा sign in भी हो रहा है, इसमें forget password का भी layout आ रहा है, और sorry ये forget password पे wrong layout आ गया, इसका हम करेक्ट कर लेते हैं। रीसेट पासवर्ड भी होएगा इसमें, ये देखें करेक्ट हो गया। सो हम पहले साइन अप कर लेते हैं। ये देखें ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड ऑटो फिलर हो गया, हमने साइन अप किया। ओ सॉरी, ये अब ये देखें ये जो एरर आ रहा है, ये हमारा कॉन्फ़िग में जाके हमने बताया भी जो हमारा लॉगिन होने के बाद रीडायरेक्ट होगा वो कहाँ होगा, वो हमने यहाँ बताया। तो हम एक डैशबोर्ड का लेआउट बना ले, यानी डैशबोर्ड का राउट बना लेते हैं। वेब के अंदर जाके हम एक राउट बना लेते हैं, और इसको हम बना देते हैं गेट, और इसको हम नाम देते हैं डैशबोर्ड, और ये हमारा होगा। अब डैशबोर्ड कंट्रोलर हम बना लेते हैं एक, हमने एक इनवोकेबल कंट्रोलर बना दिया डैशबोर्ड का, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, और इसी डैशबोर्ड के कंट्रोलर पे हमने रीडायरेक्ट इसको करा देंगे। ब्यूटीफुल। और इसको हम, क्योंकि ये हमारा ऑथेंटिकेशन के बाद आना है, तो इसको हम एक ग्रुप में डाल लेते हैं, जिसको हम मिडलवेयर कर देते हैं, और इसको हम ऑथ के अंदर डालते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल। अब हम डैशबोर्ड पे, अब हम आग तो गए, लेकिन डैशबोर्ड पे हमने व्यू को लोड नहीं करवाया, तो हम अपना डैशबोर्ड पे
इनवॉक पे रिटर्न करवा लेते हैं व्यू को। ब्यूटीफुल, ये देखें ये हमारा डैशबोर्ड आ गया और ये हमारे पास साइन आउट आ गया। अब हम एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। रजिस्टर पे गए और हमने डाला ऑटो साइन अप, ये देखें और ये हमारे पास चैनल आ गया। और अगर हम अब देखें हमारा ऑथेंटिकेशन होने के बाद भी फॉरबिटन आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम ऑथेंटिकेट तो कर चुके हैं लेकिन फिर भी हमने इस चैनल को डिफाइन नहीं किया। जब भी प्राइवेट चैनल बनाना है हमें इस चैनल को राउट को डिफाइन करना पड़ेगा चैनल राउट्स में। तो हम चैनल्स में आते हैं और अपने ब्रॉडकास्ट के साथ हम चैनल को डिफाइन करते हैं। चैनल नेम हमारा है चैट्स और इसके अंदर हमारे पास जो है ऑथेंटिकेशन यूज़र आएगा। और अब यहाँ हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। अभी हम फिलहाल रिटर्न करवाएंगे सिंपल कंडीशन, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे अगर वो यूज़र सेम ग्रुप का है तो वो चैट में अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ग्रुप चैट जिस तरह होती है। या अगर वो हम एक चैनल ऐसा डिफाइन करेंगे जहाँ स्पेसिफिक यूज़र चैट कर सकेंगे, या वन टू वन चैट होगी तो उसमें कोई और ना देख सके ब्रॉडकास्टिंग क्या हो रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो यहाँ चैनल पर लगेंगी। तो अभी हम फिलहाल जैसे इसमें ट्रू रिटर्न होगा तो हमारा जो है वो चैनल अलाउ हो जाएगा। अगर जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब है उससे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब अगर हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, ये देखें सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल चैनल प्राइवेट चैट्स, यानी हमारी जो सब्सक्रिप्शन है सक्सेसफुल हो चुकी है प्राइवेट चैट के साथ। और अब हम अगर ब्रॉडकास्ट भी करेंगे तो हमारी हो जाएगी। तो हम अभी एक तो यूज़र ये हो गया और एक हम और फायरफॉक्स में कर लेते हैं और इसको भी हम चैट रूम 2.test के साथ करते हैं। रजिस्टर पे आते हैं, ऑटो फिलर पे कर लेते हैं, साइन अप करते हैं। ये देखें नया ये भी साइन अप आ गया। अब ये हाय कहता है। इधर जो हमने एक यूज़र बनाया फर्नांड्स जो भी है उसने चैट किया, इधर आ गया और इधर से हेलो कहा। मतलब जो यूज़र इधर लॉगिन है वो इधर से चैट कर सकता है और इधर वाला इधर चैट कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये यूज़र तो मतलब नेम और था तो वो कैसे आ रहा है? तो वो हम इसको अभी तक हमने करेक्ट नहीं किया। हमने जो चैट ये बनाया हुआ है इसको भी अब क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन राउट के साथ होगा हम इसको ऑथ के अंदर ले आते हैं। और इधर से अब हमें ये सेशन वगैरह यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने चाहिए वही रियल नेम जिससे वो साइन अप होता है। तो हमें ये वाली चीज़ें जो है सेशन वगैरह हटा देनी है। और इधर सिंपल हमने ऑथ के साथ अब हम क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम नहीं है, हमारे पास नेम है क्योंकि हमने जब साइन अप किया था हमारे पास नेम था, तो हम नेम को यहाँ सेंड करेंगे ब्रॉडकास्ट में। अब एक दफ़ा हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हेलो, ये देखो मतलब नेम के साथ हमारा जो एग्जैक्ट है वो आ रहा है हेलो। कैसे हमें नेम के साथ आ रहा है? हम अगर इसको साइन आउट करके देखेंगे, आप अगर हम लॉग आउट करते हैं और यहाँ से हम अपना एक नया यूज़र बना लेते हैं, मैं शहजाद के नाम से बनाता हूँ और shahzad@gmail.com और 128 और इसको मैं साइन अप करता हूँ। ये देखें अब इधर से मैं अगर हेलो करता हूँ, ये देखें ये शहजाद ने हेलो किया। और इधर से अब मतलब 1-to-1 क्योंकि अभी हमने वैसी कंडीशन नहीं लाई, प्राइवेट चैनल है हेलो करता है। ये देखें
जो यूज़र लॉगिन होगा उसका नेम आएगा और प्राइवेट चेयर ये है, मतलब ऑथेंटिकेट हो के वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। ये सेम ही ऐसे पब्लिक है, लेकिन इसमें हम आगे जाके कंडीशंस लगाएंगे भी, वन टू वन कैसे करनी है और ग्रुप चैट कैसे करनी है, इस तरह की हम मज़ीद कंडीशन इसको देखेंगे। आई होप आपको ये पब्लिक चैट का अंडरस्टैंड हो गया होगा। मज़ीद इसके बारे में हम आगे जाके इसमें कोई डेमो बनाएंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।